बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको ट्यूनिक की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। तो इसमें हम आपको कटिंग भी बताएंगे, उसके ऊपर जो हम डिज़ाइनिंग करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। और आपको इस पर पिक्चर नज़र आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसके डिज़ाइनिंग करेंगे। तो उसके लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ये तो हमारा चिकन फैब्रिक है जो कि हम अपना ट्यूनिक रेडी करेंगे। लिया कितना दाम लगा, इसके लिए हमने 1.5 गज जो ये फैब्रिक लिया है। और इसकी डिज़ाइनिंग के लिए ये बटन है, और जो इनमें लाइंस आ रही हैं जिन कलर की, उन्हीं कलर्स के हम इसमें थ्रेड यूज़ करेंगे जो कि बॉबिन के अंदर भर के और फिर उसकी डिज़ाइनिंग की जाती है। तो यहाँ पे शोल्डर से स्टार्ट होकर और यहाँ वेस्ट तक की इसकी डिज़ाइनिंग होगी। राउंड और इसका गोल दामन हम बनाएंगे। फ्रंट ओपन शर्ट होगी विद कॉलर। चल अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग। ट्वेंटी फोर शर्ट की लेंथ है, तो इसके लिए हमने जो टोटल लेंथ ली है वो 25.5 होगी, क्योंकि हाफ इंच ऊपर का जो मार्जिन होगा शोल्डर का और 1 इंच हमने नीचे से फोल्डिंग कर रखा है। और फ्रंट ओपन बनाने के लिए हमने ये आगे जो पीस हैं इस तरह से 2 पार्ट कर लिए हैं। पीछे का ये पूरा 1 पीस लेकर और इसकी 18 का जो दामन होगा वो 18 इंचेस रेडी होगा। तो उसके लिए हमने यहाँ से जो फ्रंट पार्ट है वो हमने 1.5 इंच बढ़ा के रखेंगे, क्योंकि जब आगे की हम प्लेकेट रेडी करते हैं तो इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच हम बढ़ाएंगे ताकि जब हम प्लेकेट रेडी करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से आ जाएंगे। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। कटिंग के लिए हमें जो ये बैक पार्ट होता है उसके ऊपर हम अपनी मार्किंग करेंगे। इसके शोल्डर जो हैं वो 10.5 इंचेस के होंगे, क्योंकि हम इसमें कॉलर भी ऐड करेंगे। शोल्डर और ये इसकी स्टिच का मार्जिन। फिटिंग होगी इसकी 13.5, और जो हम इसके चौक रेडी करेंगे वो हम यहाँ पे 11 पर लाके करेंगे। छोटी शर्ट है। अच्छा, ट्यूनिक बना रहे हैं तो ये हमने 13 लिया है, यहाँ से हम ये इसका 17 का रखेंगे फिटिंग चौक पर। और ये दामन जो राउंड हो जाएगा तो इस तरह से इसकी मार्किंग हम साथ में करेंगे। अब हम फ्रंट, ये हमने बैक पार्ट हटा दिए हैं यहाँ से, और यहाँ पे फ्रंट पार्ट के आर्म होल की हम कटिंग करेंगे। ये हमने यहाँ से 1/2 इंच लिया है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वैसे भी छोटी शर्ट है। कॉलर लगाएंगे
इसके लिए हमें ये हमारा सेंटर पार्ट है ये तैयार होगा और इसके लिए हमें यहाँ से 5 इंच पे हमारी बैक होगी तो हमें यहाँ से इसकी 2.25 पर हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले तो सिर्फ 2.5 इंच इसकी लंबाई पर कटिंग करेंगे। बैक पे हम सिर्फ हल्की सी इसको बैलेंस करने के लिए कि जब हम शोल्डर का स्टिच करेंगे यहाँ तो यहाँ माइनर सी इसकी कटिंग होगी। अब हम यहाँ से नापेंगे ये 5 इंच और 12 इंच पर हमारी है 11.5 पर हमारी इसकी कॉलर आएगी। ये हम 13 इंच का हमने पीस निकाला है इसमें से और जो चौड़ाई है इसकी कॉलर की हमें चाहिए 2 इंच लेकिन हमने जो पीस लिया है वो हमने जो बैक है हमारी 2.5 पर इसकी कटिंग करनी है जो कि कॉलर की लंबाई होगी और ये हमारा हो जाएगा बैक पार्ट। अच्छा यहाँ से हम टोटल 2 इंचेस पर इसकी कटिंग करेंगे यहाँ से कौन सी हमारी गोलाई आ जाएगी इस तरह से। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो फिर इस तरह से ये शोल्डर के पहले सिलाई करके ये हमें रेडी हो जाएगा तो ये इस तरह से इजी रहेगा समझने में पूरा उसी गेट वाला जाएगा जो फोल्डिंग का है बटन का। तो यहाँ से हम हल्का सा सिर्फ 1/2 इंच का ये यहाँ से तिरछा करेंगे ताकि हमारी वहाँ पे कॉलर की नोक बन जाए। अगर आप स्ट्रेट रखना चाहते हैं तो स्ट्रेट कीजिए। नॉचेस लगाने से होता है जब हम स्टिच करते हैं तो उस टाइम हमें फिर प्रॉब्लम नहीं होती है। ये हमारा इस तरह से कॉलर रेडी हो जाएगा। स्टिच होने के बाद ये हमारी आस्तीन है जिसकी हमने 1/2 रखना है तो इसकी जो हम टोटल लेंथ रखेंगे आस्तीन की वो हम 5 इंचेस रखेंगे तैयार और तो उसके लिए 1/2 इंच तो ऊपर से स्टिच का मार्जिन हो जाएगा और जो इसकी आस्तीन की फिटिंग होगी ऊपर से चौड़ाई वो 5.5 इंच होगी। ये हमारे अब यहाँ से 5 इंच की हमने लेंथ ली है तो इसको हम तकरीबन 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है इसकी फोल्डिंग के लिए इस तरीके से और जो हम यहाँ से इसका वो रखेंगे वो हम 4.4 इंच पर इसकी फिटिंग रखेंगे आस्तीन की। और ये आप 2 इंच पर इसकी 2 इंच से थोड़ा सा ऊपर इसकी यहाँ से गोलाई लाना शुरू करेंगे आस्तीन इस तरीके से। अपनी फिटिंग का है Thank you.
ये हमारी आस्तीन की कटिंग हो चुकी है, अब हम आपको स्टिच करना बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारा सेकंड पार्ट जो है वो देखना पड़ेगा। तो अब आइए हम मशीन की तरफ चलते हैं।